हेलो गाइज, तो आज अपन जानने वाले हैं वेट ऑफ स्टील, मतलब किसी भी स्टील का कोई सेक्शन हो तो उसका अपन वेट कैसे निकालते हैं। इस साइड पे अपने स्टील रेनफोर्समेंट बार आती है तो उसका अपन वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए अपन एक एम्पेरिकल फॉर्मूला जानते हैं, वो होता है कि अपना डी स्क्वायर अपॉन 162। अपन इससे कैलकुलेट करते हैं, जिससे डी यहाँ पे उसका डायमीटर हो गया, जिस भी अपन रेनफोर्समेंट बार का निकालना, जैसे आर्ट का निकालना हो तो 64 हो जाएगा। और इसी तरह मतलब कि 8, 10, 12, 16, 20, 25 अपन जिसका चाहे उसका इस तरह से अपन निकाल सकते हैं। जैसे अपने 8 mm का निकालना है, ठीक है। और अपने एक स्टील की जो बार होती है उसकी लेंथ होती है 12 मीटर, ये शायद आपको पता होगा। तो 8 mm का यूनिट वेट कितना होता है? 0.39। कैसे निकाला अपन ने? डी स्क्वायर बोन मतलब कि 8² / 162 0.39। और इसका वेट निकालना हो तो अपन 3.89 × 12, 12 क्या है इसकी बार की टोटल लेंथ, ये अपना इसका वेट आ गया 4.68 kg, मतलब कि एक बार का ये वेट आ गया। अपन इस तरह से अपन ये 8 का, 10 का, 12 का किसी का भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एम्पिरिकल फॉर्मूला है, ये सिर्फ बार पे ही अप्लाई होगा। अब जैसे इसका स्ट्रक्चर चेंज होता है, जैसे अपन को किसी स्क्वायर का निकालना हो, कोई ऐसे पाइप हो अपने पास साइड पे, उसका कैसे निकालेंगे, या कोई ऐसे पत्ती हो उसका कैसे निकालेंगे, तो आज अपन वो जानने वाले हैं कैसे निकालते हैं। तो ये तो आप समझ गए और आपको ये पहले से ही पता होगा, और अपन आज इससे निकालते ऐसे देखते हैं अपन। जैसे अपने स्टील की डेंसिटी होती है 7850 kg/m³, यह आपने शायद पढ़ी होगी। और वेट का अपन फॉर्मूला जो अपन ने स्कूल में पढ़ा था वो क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मतलब कि डेंसिटी अपने पास है, अपन अगर किसी तरह से अपन उसका वॉल्यूम निकाले उस सेक्शन का, चाहे वो कैसा भी सेक्शन हो, उसका वॉल्यूम निकाल ले और डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दे तो अपने पास इसका वेट आ जाएगा, ठीक है। तो अब अपन वॉल्यूम कैसे निकाले? वॉल्यूम निकालने के लिए सबसे पहले अपने एरिया, जो भी सेक्शन हो अपने पास, तो उसका सबसे पहले अपन एरिया निकाल लेंगे। जैसे अपने पास अब बार का निकाल रहे हैं तो बार एक सर्कुलर है, तो इसका हो गया π² / 4। डी यहाँ पे डायमीटर है, और तो इस फॉर्मूले से अपन एरिया निकाल लेंगे और इसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ इस डी डी हो गया 8 और लेंथ हो गई इसकी 12 मीटर, और इस फॉर्मूले अपन डेंसिटी रख के वेट निकालेंगे तो वो आएगा 4.7 kg, 4.68 उससे आया था। तो मतलब इससे अपन जिस भी शेप का हो अपने पास ये बना सकते हैं, अपन इसका एरिया निकाल सकते हैं। जैसे अपना ये स्क्वायर है तो इसका अपन एरिया होता है a² और इसके अलावा कोई रेक्टेंगल शेप का हो कोई, तो इसकी लंबाई इंटू चौड़ाई कर देंगे तो अपने पास एरिया आ जाएगा। और लेंथ 1 मीटर के लिए निकाल लेंगे तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अपन ये निकालते हैं। अब ऐसे किस कोई भी साइड पे अपने पास स्टील का कोई भी कंपोनेंट हो तो अपन उसकी डेंसिटी और उसका एरिया निकाल के डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके उसका वेट निकाल सकते हैं। ओके गाइज, थैंक यू गाइज।